अखिलेश उत्तर हो मिश्रा गया जी था भी हमारे क्यों? साथ जुड़े हुए हैं, अब उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। चूंकि 8 साल केंद्र सरकार को हुए और केंद्र सरकार जब से आई, खासतौर पर पूर्वोत्तर पर ध्यान दिया जा रहा है, क्या तस्वीर बदलती नजर आई है, क्या हालात बदलते नजर आए हैं पूर्वोत्तर के, क्या मानते हैं? मैम देखिए, जहां विकास के कदम पड़ेंगे डेफिनेटली वहां हालात बदलेंगे। बात मैं अगर सेवन सिस्टर्स की करूं, यानी आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो स्टेट है, सबसे पहले तो आप देखिए कि मिलिट्री वाइज अगर स्ट्रेटेजिक वाइज देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चिकन नेक जो एक पॉइंट है वो वहां पे पड़ता है, चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है। दूसरा चीज, एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत की इन 7 जो है स्टेट्स में रहती है, उनको इग्नोर किसी भी कीमत पे नहीं किया जा सकता है। जितना विकास दूसरे हिस्सों का हो रहा है उतना ही संवैधानिक अधिकार विकास के लिए उनका भी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इकोनॉमिक हब बनाना, उस एरिया की, पर्टिकुलर एक जियोग्राफिकल एरिया की सारी जरूरतें जो वो है वो वहीं के मार्केट से जो है पूरी की जा सके, अपने आप को सेल्फ सफिशियंट बनाना। इन सब चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो करंट गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है। आप ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पूरे आसाम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक सड़कों का जाल बिछ रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे तो सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्टेशन है वहां पे रोड बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे हवाई अड्डे वहां पे शुरू किए गए हैं। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सबसे पहला स्टेप है कि जो अभी तक ये 7 सिस्टर कटे हुए रहते थे उनको रेस्ट ऑफ इंडिया से उनकी कनेक्टिविटी को डेवलप करना। जब कनेक्टिविटी डेवलप होगी तो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस अपने आप होता चला जाएगा, ग्रोथ होता चला जाएगा। स्पेशल मिलिट्री का एक्ट जो अभी तक वहां पे आतंकवाद के कारण लगा हुआ था उसको हटा करके बहुत लिमिटेड कर दिया गया, यानी कि पीस वहां पे आनी शुरू हो गई है और पब्लिक का इंटरेस्ट और पब्लिक का फेथ अपने गणतंत्र में, अपने देश में बढ़ता चला जा रहा है। तो कहीं ये ना कहीं, बिल्कुल बोला जा सकता बिल्कुल है कहीं ना कहीं कि जो अभी अभी तक लोकैलिटी ये इग्नोर्ड थे। है, लोकैलिटी है पूर्वोत्तर की, नॉर्थ ईस्ट की, 7 सिस्टर्स की आपने बात की, और 7 सिस्टर्स यानी वो 7 राज्य पूर्वोत्तर के, कहीं ना कहीं वहाँ की लोकैलिटी को अब कहीं ना कहीं विकास मिल रहा है, वो पहचान मिल रही है जब से सरकार आई है, जिस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, पहले अगर उनको कहीं जाना होता था बड़े हॉस्पिटल के लिए, या तो नियरेस्ट मेट्रो कोलकाता होता था या दिल्ली होता था और कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी। आप आसाम को छोड़ के उन दूसरे क्षेत्रों में, अरुणाचल प्रदेश वगैरह में देखेंगे, न तो रेल का संपर्क था न रोड का था, दिल्ली तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता था। आज बहुत सारे मिनी हवाई अड्डे वहां शुरू हो गए हैं, इवन ऐसे जगहों पे भी रेल पहुंची है जो 70 साल में भारत में पहली बार वहां पे रेल पहुंची है, और रोड की कनेक्टिविटी भी इसी तरीके से वहां पे 4 लेन हाईवे बन रहे हैं, पूरा इंड तक बन रहा है, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से कनेक्ट करना और पूरे भारतवर्ष को कनेक्ट करना। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं। विकास की जो परिभाषा होनी चाहिए वो सारे आयाम वहां पे स्थापित किए जा रहे हैं, और यह जरूरी है। भारत का सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसमें हम किसी भी स्टेट को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मैं ये बोलूंगा कि पहली बार जितना फोकस होना चाहिए इन 7 सिस्टर्स जो स्टेट्स हैं, ये पहली बार कोई सरकार कर रही है। इसके पहले तो बस केवल विकास के नाम पे एक खाना पूर्ति हो जाती थी और मेजर डेवलपमेंट तो वहां हो ही नहीं पाता था, और जो को भी दिखा रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी, इसी बीच देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बहुत सारी बातें कही, लेकिन सबसे अहम जो बात रही वो उन्होंने ये कही कि असम में, या फिर हम पूरे पूर्वोत्तर के अगर राज्यों की बात करते हैं, 7 के 7 राज्यों में जब से सरकार बनी है इन बीते 8 सालों में 75% हिंसा, उपद्रव और जो हिंसा की खबरें हैं वो कम हुई हैं। क्या मानते हैं, क्या वाकई में आंकड़ों में कमी आई है, हिंसा के आंकड़ों में कमी आई है बीते 8 सालों की अगर बात करें? नहीं, बिल्कुल। देखिए, वहां पे इतने सारे विद्रोही ग्रुप बने हुए थे अभी 2-3 साल पहले, आप खबरों में जाकर के देखिए तो होम मिनिस्ट्री ने वहां पे सारे विद्रोही जितने भी ग्रुप थे जो लोग हिंसा फैलाते थे उनसे बंदूक से नहीं बल्कि उनसे वार्तालाप से इस प्रॉब्लम को, मतलब इस समस्या का समाधान उन्होंने निकाला है। एक बहुत बड़ी कई राउंड की वहां पे मीटिंग हुई थी और इस समस्या का समाधान सक्सेसफुली भारत सरकार और सारे लोगों ने मिलकर के निकाल लिया है। सरकार ने यही कन्विंस करने की कोशिश की है कि भाई सब लोग विकास में भागीदारी बने, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं, आप लोग हथियार छोड़िए। कोई मिलिट्री ऑपरेशंस तो वहां पे हुआ नहीं, तो बहुत लिमिटेड हो गया है, बहुत ज्यादा कमी आई है। और अगर ये कमी नहीं आई होती तो रोड वगैरह बनना, एयरपोर्ट बनना या जितने भी विकास के काम है ये पॉसिबल नहीं है। ये इस चीज को बताता है
कि वहां की जनता विकास की विचारधारा में अब विश्वास करने लगी है, वहां की जनता को समझ में आने लगा है कि हम पूरे देश के साथ जुड़े हैं, इस देश के हम अभिन्न अंग हैं, इस देश का एक एक आदमी, इस देश का संविधान और इस देश और प्रदेश की सरकार हमारे उत्थान के लिए कृत संकल्प है। यही कारण है कि आप देखिए पिछले सालों में, विगत कई सालों में कई बार प्रधानमंत्री का डायरेक्ट दौरा वहां पे हुआ है। इसके पहले तो किसी भी प्रधानमंत्री का वहां दौरा आप 2014 के पहले उठा करके देख लीजिए, कितने प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी असम से एक रिलेशन था, वो वहां किराए पर रहते थे, शायद एड्रेस भी उनका चुनाव में वहीं का दिया गया था, वहीं से वो जो है सीट अपनी जीतते थे, राज्यसभा के लिए निर्वाचित होते थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जाकर के वहां पे कभी भी पूरी जनता को संबोधित किया, उनका हालचाल जानने की कोशिश की? पहले के पूर्ववर्ती जो प्रधानमंत्री हुए थे वो नॉर्दर्न बेल्ट में या अपने इलेक्शन वाले बेल्ट में ही इंटरेस्टेड रहते थे, जहां से उनको चुनाव जीतना होता था। हो सकता है कई राज्यों में वहां पे जनसंख्या या वोट बैंक हो सकता है उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे विकास की गति को धीमा कर दिया जाए, उनको उपेक्षित कर दिया जाए। उनका भी देश है, और अगर वहां के सारे लोग, सेवन सिस्टर के सारे लोग सुखी रहेंगे तो वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, देश की सुरक्षा के लिए चाइना के सारे बॉर्डर। और कहीं आप ये मान रहे हैं कि आने वाले और अगर साल दिए जाए तो पूर्वोत्तर की जो तस्वीर है, जो स्वरूप है, वो पूरी तरीके से बदलेगा। तरीके से देखिए पूर्वोत्तर विल बी द गेटवे, मतलब उस तरफ के जितने भी देश है, आप देखिए थाईलैंड वगैरह हो गया, चाइना वगैरह हो गया, उस तरफ के जितने भी आपको देश लगते हैं, अब तो रोड की कनेक्टिविटी थाईलैंड तक की हो गई है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती है कि पूर्वी हिस्सा जो अपनी दुनिया का है उससे कनेक्टिविटी बाय रोड अगर बनेगा तो वो पूर्वोत्तर उसका गेटवे होगा, ओपनिंग गेट होगा। इस कॉन्सेप्ट पे गवर्नमेंट काम कर रही है। बिल्कुल देखिए बहुत प्रभावशाली ये मंत्र है, डबल इंजन वाली जो सरकार है उसके पीछे एक कारण है, भारत में या यहाँ के किसी भी राज्य में वर्क का प्रेशर इतना ज्यादा है, अगर डेवलपमेंट करने को सरकारें ठान ले उस हिसाब से डबल इंजन सरकार की जरूरत है। उस वर्क प्रेशर को मैनेज करने के लिए ज्यादा मंत्रियों या ज्यादा उप मुख्यमंत्रियों की डेफिनेटली जरूरत है। तो सरकार ने इस चीज को भापा और डबल इंजन की सरकार बनाई कई जगह पे, और वो बहुत सक्सेसफुल तरीके से काम कर रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप ये देखिए कि कश्मीर में जहां कभी कोई जाता नहीं था, जाने का सोच नहीं सकता था, वहां अगर टनल बन गए, इतने ऊंचे ऊंचे पुल घाटियों में बन रहे हैं, पहाड़ी पे स्थित सुदूर स्थित गांव में भी अगर बिजली पहुंच रही है और नल पहुंच रहा है, पीने का पानी पहुंच रहा है, तो ये चीज बताता है कि गवर्नमेंट कितने माइक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स को देख रही है और उसको सॉल्व करने के लिए प्लान कर रही है, और प्लानिंग को एग्जैक्ट वे में टाइम बाउंड होके उसको एग्जीक्यूट कर रही है। ऐसा नहीं है कि योजनाओं का उद्घाटन कर दिया और वो कभी पूरा ही नहीं हुआ। महत्वपूर्ण है अखिलेश।